भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अपरा एकादशी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अपरा एकादशी का व्रत आपको कब करना है तथा इस व्रत का पारणा आपको कब तथा किस प्रकार करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और एकादशी का जो व्रत होता है उसके नियम दशमी से प्रारंभ हो जाते हैं तथा द्वादशी तक उसके नियम पालन करने होते हैं। और इस बार अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जो कि 5 जून को सुबह 4:05 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 6 जून 2021 रविवार को सुबह 6:17 तक अपरा एकादशी तिथि रहेगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त यदि एकादशी का व्रत आप करना चाहते हैं, वैष्णव मत के अनुसार, हमारे मत के अनुसार, वैष्णव परंपरा के अनुसार, यदि आप शुद्ध एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 6 जून 2021 रविवार को ही एकादशी का व्रत करना है। और इस व्रत का पारणा आपको 7 जून को यानी सोमवार के दिन सुबह करना चाहिए। सोमवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर के सुबह 8:47 के बीच में आपको व्रत का पारणा करना होगा। तो जो भक्तजन, माताएं बहने एकादशी का व्रत करेंगे उनको 6 जून 2021 रविवार के दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत करता है उनको दशमी के नियम पालन 5 जून को करना है, यानी 5 जून 2021 शनिवार को दशमी के नियम पालन करना है। उस दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा भोजन में शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना चाहिए। उस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है तथा दशमी के दिन भी चावल का परित्याग करना चाहिए। और दशमी के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करते हुए आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। और एकादशी के दिन यानी 6 जून 2021 रविवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल्दी उठना है। उसके बाद स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर के सबसे पहले आपको अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना है तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। उसके बाद हाथ में जल, तुलसी पत्र, पुष्प, सुपारी लेकर के संकल्प आपको करना चाहिए। संकल्प में कुछ दान दक्षिणा रुपये पैसे भी आपको रखना चाहिए। यदि ये सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं हो तो केवल जल के माध्यम से भी आप संकल्प कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि संकल्प हमेशा जो है हाथ की इस प्रकार की मुद्रा रखकर ही करना चाहिए। और संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। संकल्प यदि आप संस्कृत में उच्चारित नहीं कर सकते हैं तो हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको आप श्रवण करें, उसको सुने। जब आपके नाम तथा गोत्र की बारी आए तब आपको अपना नाम तथा गोत्र उच्चारित कर लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार रहेगा, 3 बार सबसे पहले विष्णु 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 का उच्चारण करें। ओम तिथिर विष्णु सदाबारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णुः सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत् मन्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बुद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्म वर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे ही। आप अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने नगर का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम उच्चारित करिएगा। अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे ही मध्य प्रदेशे ही भोपाल मंडलांतर्गते ही भोपाल नामनी नगरे ही आनंद नामक संवत्सरे ही विक्रम संवत 2077 संवत्सरे ही ज्येष्ठ मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही एकादश्यायां पुण्यतिथयो
अपरा एकादश्यायाम पुण्यतिथियोः ग्रीष्म ऋतोः उत्तरायणैः रविवासरान्वितायाम अश्विनी दिवस नक्षत्रैः मेष राशिस्ते श्रीचंद्रैः वृषभ राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराजगुरुः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितिसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः बोलिए मम आत्मनः। अब अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा, अपना नाम तथा गोत्र बोलिएगा। यदि आपको अपना नाम याद है और गोत्र याद नहीं है तो आप अपने सरनेम यानी उपनाम का उच्चारण कर ले। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकल मन इच्छित कामना सौसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्य सेवा कार्य सर्व कार्य यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम दस विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्व विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम कुल देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रीत्यर्थं च अद्य दिवसे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अपरा एकादश्यायाम व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प आप भगवान को अर्पण करके हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभो आज हम अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, हमें आप पूर्ण शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें कि हम इस एकादशी के नियमों का विधिवत पालन कर सके। इस प्रकार आपको भगवान से प्रार्थना करना है और एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए यानी पूरी तरह से अन्न का परित्याग कर देना चाहिए और एकादशी के दिन सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल ही माने जाते हैं। इसके अलावा अन्य जो शुद्ध सात्विक जो फलाहार होते हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और इस दिन पान तथा कत्था का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन चावल का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उनको चावल भी नहीं बनाना चाहिए। यदि घर के अन्य सदस्य चावल के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप उनके लिए चावल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए और एकादशी का जो व्रत करता है उनको मांस मदिरा लहसुन प्याज अंडे इत्यादि का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि घर के अन्य सदस्य भी इस प्रकार की अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल न करें और एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग का सास ससुर का माता पिता का आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन साधु संतों का आदर करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी मांगने वाला याचक भिखारी ब्राह्मण या फिर साधु संत या कोई भी आ जाए तो उसको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, यदि संभव हो तो उसको फलाहार इत्यादि वस्तु भी ग्रहण करवाना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, एकादशी के दिन आपको भगवान के भजन तथा कीर्तन करना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, एकादशी के दिन भूमि को खोदना नहीं चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। एक दिन पहले ही आपको तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए क्योंकि तुलसी पत्र के बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है और यदि आपके घर में पुराने तुलसी के पत्ते रखे हैं तो उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। चढ़े हुए तुलसी जी के पत्ते को बार बार धो करके उपयोग किया जा सकता है, तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं और इसके अलावा एकादशी के दिन
गौदान गौ सेवा भी करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस दिन वस्त्र दान, दक्षिणा दान, भोजन दान, फलाहार के निमित्त सामग्री का दान या फलाहार के निमित्त नगद राशि का दान आपको करना चाहिए। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करेगा उसको अगले दिन यानी 7 जून 2021 सोमवार के दिन सुबह 5:38 से लेकर के 8:47 के मध्य व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा यानी व्रत सही समय पर खोलने की विधि को व्रत का पारणा कहा जाता है। और व्रत का पारणा करने के लिए सबसे पहले आपको जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है तथा जिस प्रकार से आपने एकादशी व्रत का संकल्प धारण करा है उसी प्रकार हाथ में जल तुलसी पत्र लेकर के आपको व्रत का पारणा करना है यानी शपथ ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद व्रत का पारणा आपको चावल से करना चाहिए, अन्न से करना चाहिए, फलाहार से कर सकते हैं। यदि अगले दिन जैसे प्रदोष का व्रत करना है तो आप फल और जल से भी तुलसी का जी से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं या मिश्री से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार आपको एकादशी व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाए तो आप व्रत तो कर सकते हैं लेकिन सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई माताएं बहनें गर्भावस्था में होती है, गर्भवती होती है तो वो भी व्रत कर सकती है लेकिन अच्छी प्रकार से फलाहार करके उनको व्रत करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म में रहती है ऐसी अवस्था में भी वो व्रत का पालन कर सकती है लेकिन ध्यान रखें कि इस अवस्था में भगवान का स्पर्श तथा पूजन पाठ उनको नहीं करना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत होता है उसमें जल पीने से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है और दवाई खाने से भी कभी व्रत भंग नहीं होता है। यदि कोई मरीज है, रोगी अवस्था में है, स्नान नहीं कर सकता है तो वो मानसिक रूप से कान धोकर भी और फल इत्यादि का सेवन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति यानी आपत्ति काल में कभी भी मर्यादा का पालन नहीं किया जा सकता है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। अब हम आपको अचला एकादशी अपरा एकादशी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर क्यों चाटे जग धूर।
राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है, उनके चपल विशेष, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अपरा एकादशी की कथा जो कि पद्म पुराण में तथा ब्रह्म पुराण में विस्तार पूर्वक बताई गई है, आज वही दिव्य कथा हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी प्रकार के व्रत बताए गए हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोषों को नष्ट करने वाला यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। और ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होगा तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी और इस संसार में उसे धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपरा एकादशी की जो कथा है वो इस प्रकार है। ज्येष्ठस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत्, श्रोतुमिच्छामि महात्मं तददस्व जनार्दन। श्री कृष्ण उवाच, साधु प्रष्टं त्वया राजन् लोकानां हितकाम्यया बहु पुण्य प्रदार्हेषा महापातक नाशिनी। इस प्रकार एकादशी की कथा का यहाँ पर प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। हे जनार्दन, हे वासुदेव, मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके श्रीमुख से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह एकादशी परम पवित्र पुण्यदायिनी एकादशी है। बहुत से पुण्यों को प्रदान करने वाली तथा बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली यह एकादशी है। और इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है तथा इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे राजेंद्र, यह अपार फल को देने वाली है और अपार पुण्य को देने वाली है। जो अपरा एकादशी का सेवन करता है वह इस संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गौ की हत्या करने वाला तथा पराई निंदा करने वाला और पराई स्त्री का सेवन करने वाला, ये सारे पाप हे राजेंद्र इस एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य झूठी गवाही देता है, जो झूठे प्रमाण देता है तथा जो निश्चय करके कम तोलता है यानी व्यापार कार्य में बेईमानी करता है, जो ब्राह्मण झूठा वेद पाठ करता है, जो झूठे शास्त्र को बनाता है और जो ज्योतिषी होकर के झूठी बात कहता है और झूठा वैद्य होकर के लोगों को ठगता है यानी उसको गलत दवाई देता है, ये सब जो है ब्रह्म हत्या के समान माने जाते हैं। और जो क्षत्रिय होकर के अपने क्षात्र धर्म का पालन नहीं करता है और झूठ का सहारा लेकर के संग्राम से भाग जाता है, वे सारे पाप जो है इस एकादशी को करने से समाप्त हो जाते हैं और अपने धर्म से बाहर होकर के घोर नरक में वो लोग प्राप्त होते हैं। वह भी इस अपरा एकादशी के व्रत को सेवन करने से समाप्त हो जाते हैं। जो शिष्य विद्या पढ़ करके गुरु की निंदा करता है वह महापातक से युक्त होकर के नरक को जाता है। ऐसे मनुष्य भी अपरा एकादशी के सेवन से उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन,
अपरा की महिमा सुनो, मैं कहता हूँ तीनों पुष्करों में कार्तिकी के समान स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, गया जी में जाकर के अपने पितरों के निमित्त जो पिंड दान करके सुपुत्रों जैसे पितरों को तृप्ति देने वाले होते हैं, और सिंह राशि के बृहस्पति में गौतमी नदी में स्नान करने वाले मनुष्य जिस फल को प्राप्त करते हैं, और कुंभ की संक्रांति में केदारनाथ के दर्शन से जो फल मिलता है, और बद्रिकाश्रम के दर्शन से तथा वहां के तीर्थ सेवन से जो फल प्राप्त होता है, और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान और हाथी घोड़ों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है, अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल मनुष्य प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आदि व्याधि जो भी हमारे जीवन में रहती है वो सब अला बलाएं इस एकादशी का व्रत करने से समाप्त हो जाती है, और मनुष्य गौ दान से, पृथ्वी के दान से या जितने भी प्रकार के दान से जो फल प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी के व्रत से उसे प्राप्त हो जाता है। मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के अद्भुत और दुर्लभ फलों को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन के लिए दावा नल के समान है, यानी पाप रूपी जो भी हमारे जीवन में हम संचय करते हैं उन सब को जला करके यह एकादशी भस्म कर देती है, और पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है तथा पाप रूपी मृग के लिए सिंह रूप है। एकादशी का व्रत किए बिना पानी में बुलबुलों के समान और जीवों में भुनुकों के समान मनुष्य मृत्यु को ही उत्पन्न होते हैं। अपरा का व्रत करके और त्रिविक्रम भगवान नारायण का पूजन करके सब पापों से छूट करके मनुष्य अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को इस अपरा एकादशी के व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को चला जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी तथा पापी था। वह अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के वृक्ष में निवास करने लगा और वहां पर अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण उन्होंने समझा और ऋषि ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लिया और उस पीपल के वृक्ष पर छिड़क दिया, जिससे वहां पर प्रेत प्रकट हो गया तथा परलोक विद्या का उपदेश ऋषि ने उस प्रेत को दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अधोगति से छुड़ाने के लिए उसको उस अपरा एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्रदान कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि वर को धन्यवाद देता हुआ दिव्य वस्त्र दिव्य देह धारण करता हुआ स्वर्ग लोक से आए हुए विमान में बैठ करके वह स्वर्ग लोक को चला गया। यानी एक दूसरे ऋषि के व्रत करने के कारण एक अन्य व्यक्ति को जो है प्रेत गति से मुक्ति प्राप्त हो गई। तो आप यदि स्वयं अपने लिए इस व्रत को करेंगे तो निश्चय ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप चाहें तो अपने परिजनों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने मित्र के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने किसी भी मृतक परिजन के लिए इस अपरा एकादशी का व्रत करके अगले दिन जब आप पारणा करें उस समय हाथ में जल लेकर के कह दे कि हमने जो अपरा एकादशी का व्रत किया है उसका संपूर्ण पुण्य फल मैं अपने अमुक परिजन उसका नाम तथा गोत्र यदि याद हो तो उसको अर्पण करता हूँ। इस प्रकार यदि आप कह देंगे तो उसको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और उसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने परोपकार की इच्छा से तुमको सुनाई है। इसको पढ़ने से तथा सुनने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है, और जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है तब उसके जीवन में उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है, सांसारिक वैभव उसे मिलने लगता है और धर्म अर्थ काम तथा अंत समय में वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम, 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 रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। हम सब मिलकर के अभी आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहु दयामय, किस विध मिलहु दयामय, तुमको मैं सुमति, ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, धार पड़ा तेरे, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।